हिंदी साहित्य संसार में आपका स्वागत है। ये प्रश्नोत्तरी सीरीज है जिसमें हम विकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हिंदी साहित्य की तैयारी करते हैं। तो आइए, आज के प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। आपके सामने चार विकल्प हैं, आदिकाल, चारणकाल, वीरगाथा काल और सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर है वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, इनमें से वीरगाथा काल का कवि कौन सा नहीं है। चंद्रवरदाई, यज्ञिक, नामदेव और मधुकर। सही उत्तर है नामदेव। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आपके सामने चार विकल्प हैं, विद्यापति, यज्ञिक, दलपति विजय और चंद्रवरदाई। इसका सही उत्तर है चंद्रवरदाई। आपके सामने अगला प्रश्न है, पृथ्वी राजराशु के रचनाकार हैं। चार विकल्प हैं, विद्यापति, चंद्रवरदाई, दलपति विजय और यज्ञिक। सही उत्तर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दशन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है तुलसीदास, जयसी, कबीरदास, देव। इसका सही उत्तर है जयसी। अगला प्रश्न है, शिवा बाबनी के रचनाकार हैं। चार विकल्प हैं, भूषण, दलपति विजय, पद्माकर, यज्ञिक। इसका सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न है, नर की और नल की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। चार विकल्प हैं, तुलसीदास, प्रसाद, बिहारीलाल, केशव। इसका सही उत्तर है बिहारीलाल। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। केशवदास, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। सही उत्तर है मैथिली शरण। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त करने वाले थे मित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है निराला, माधवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। तो हिंदी साहित्य की तैयारी करें ऐसे ही वीडियो देखकर, और जुड़िए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।